हेलो बच्चों, लेट्स हियर द क्वेश्चन। इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी माइक्रोफेरेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प इज 500 वोल्ट व्हाइल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 100 वोल्ट। अज्यूम दैट देयर इज नो इंडक्टिव लोड इन द सर्किट। टेक आरएमएस वैल्यूज ऑफ द वोल्टेजेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द करंट एंड सप्लाई वोल्टेज इज फाइ। अज्यूमिंग पाई स्क्वायर रूट 3 अप्रोक्सीमेट फाइ द वैल्यू ऑफ सी इज। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस हेयर द की कॉन्सेप्ट एंड हेयर द की कॉन्सेप्ट इज गिवन एज एलआरसी सर्किट, जिसमें हम बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसको हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा एल से। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, इट इज गिवन एज 1/ωc। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो एक सर्किट दे रखा है, जैसे मेटल फिलामेंट हमें दे रखा है लैंप का। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी माइक्रोफेरेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। यानी यहाँ पे एक आरसी सर्किट दे रखा है, क्योंकि लैम्प का जो फिलामेंट होता है रेजिस्टिव, ये हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं, इसको हमने यहाँ पे 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है। द पावर कंज्यूम बाय लैम्प इज 500 वोल्ट व्हाइल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 100 वोल्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस केस में हमारे पास, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास यहाँ पे जो लैम्प के अक्रॉस पावर का कंजम्पशन हो रहा है वो 500 वॉट के बराबर है। तो इस केस में सबसे पहले लैम्प में कितना करंट फ्लो करेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दैट विल बी गिवन एज वोल्टेज ड्रॉप इनटू करंट के बराबर। दैट विल बी 500 वोल्टेज हमारे पास 100 के बराबर है। आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 5 एम्पियर। यहाँ पे हमें 5 एम्पियर के बराबर करंट ऑब्टेन हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है ये 200 वोल्ट के बराबर है। और यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स करंट है, क्योंकि सीरीज हमारे पास सर्किट है, यानी इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ये हमारे पास आर आ गया, ये हमारे पास सी आ गया, इसको हमने यहाँ पे वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रखा है। अब जितना यहाँ पे करंट हमारे पास जो हमारे पास फिलामेंट लैम्प है उसमें जाएगा, उतना ही हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स से करंट आएगी उसकी वैल्यू के बराबर होगी। क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू के लिए हमें इस पर्टिकुलर केस में जो फॉर्मूला चाहिए होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर एक्स की वैल्यू निकाल दे तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जेड को कैलकुलेट करेंगे। जेड विल बी गिवन है सोर्स वोल्टेज जो हमारे पास यहाँ पे 200 वोल्ट के बराबर है, क्योंकि सोर्स करंट हमारे पास यहाँ पे 5 के बराबर है। दिस विल बी गिवन एज 40 ओम के बराबर। तो हमें यहाँ पे जेड मिल गया। आर की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन डेटा से, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है कि फिलामेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, यानी वी इक्वल्स हो जाएगा आई इंटू आर के बराबर। आई की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 5 एम्पियर के बराबर है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ तो ये 100 के बराबर आ जाएगा, यानी आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 20 ओम। जेड मिल गया, आर मिल गया, तो हम एक्स सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स सी विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस केस में हमारे पास यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1600 माइनस 400, और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1200, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 400 × 3 के बराबर विद स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 20√3 ओम। अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं सी की। दिस विल बी गिवन एज 1/ωc, तो सी आ जाएगा 1/ω। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π × f, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज आ जाएगी एंड दिस विल बी 20√3। और π√3 की वैल्यू 5 के बराबर हमें दे रखी है, तो दिस विल बी गिवन एज 5 × 10, ये हमारे पास हो जाएगा 1000 × 2, 2000 के बराबर। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यानी जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 × 10। इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 10⁻⁴ फैरेड, क्योंकि इस केस में हमें जो सी की वैल्यू है वो माइक्रोफेरेड में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ दिस विल बी गिवन एज 10⁻⁴,
यहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, इसी को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 100 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 फैरेड के बराबर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 100 माइक्रो फैरेड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ सी इज 100 माइक्रो फैरेड। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।